रहे क्लास 11th एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 11.3। तो इसके पहले 9 क्वेश्चन में हमें इलिप्सिस के इक्वेशंस दिए हुए हैं और हमें उनके फोकाई के कोऑर्डिनेट्स, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लैटर सेक्टम निकालने हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन में हमें निकालना है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 36 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल टू 1 का। तो हम देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 36 में 36 हमारा 16 से बड़ा है, तो इससे हम कह सकते हैं कि हमारा मेजर एक्सिस होगा एक्स एक्सिस। फिर इसको हम लोग कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से। फिर यहाँ से हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 36 एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, विच मीन्स डैट ए इज इक्वल टू 6 एंड बी इज इक्वल टू 4। हम सिर्फ ए का पॉजिटिव वाली यूज ले रहे हैं क्योंकि ए और बी हमारा सिर्फ लेंथ्स हैं। तो हम अब सी स्क्वायर निकालेंगे। सी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 16 इज इक्वल टू 20, और यहाँ से हमारा सी आ गया सी इज इक्वल टू 2√5। हेंस अब हमारा फोकाई हो जाएगा फोकाई इज इक्वल टू प्लस माइनस सी कॉमा 0, विच मीन्स डैट फोकाई हमारा हो गया प्लस माइनस 2√5 कॉमा 0। हमारे वर्टिसेस हो जाएंगे प्लस माइनस ए कॉमा 0, प्लस माइनस ए है हमारा 6 कॉमा 0, ये हो गया हमारे वर्टिसेस। फिर हमें मेजर एक्सिस का लेंथ निकालना है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल टू हो जाता है हमारा 2a इज इक्वल टू 2 × 6 इज इक्वल टू 12, और फिर लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हो जाएगा हमारा 2b इज इक्वल टू 2 × 4 इज इक्वल टू 8। हमारा इसेंट्रिसिटी ई इज इक्वल टू होता है सी डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू 2√5 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 3, एंड हमारा लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम होता है लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम इज इक्वल टू 2b² डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू 2 × 16 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 3। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा इलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू 1। देख सकते हैं इसमें कि हमारा एक्स स्क्वायर का जो डिनोमिनेटर है वो वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर से छोटा है, दैट इज इसमें हमारा वाई एक्सिस होगा मेजर एक्सिस और एक्स एक्सिस होगा हमारा माइनर एक्सिस। तो कंपेयर करेंगे इसके जनरल इक्वेशन से, दैट इज एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से। तो हमारा यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25, दैट मीन्स हमारा बी इज इक्वल टू 2 आ गया एंड ए इज इक्वल टू 5 आ गया। यहाँ से हम सी स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे। सी स्क्वायर होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 4 इज इक्वल टू 21, एंड यहाँ से हमारा सी आ गया सी इज इक्वल टू √21। अब हमारा फोकस आ जाएगा 0 कॉमा प्लस माइनस सी, विच मीन्स हमारा फोकस आ गया 0 कॉमा प्लस माइनस √21। हमारा वर्टिसेस आ गया 0 कॉमा प्लस माइनस ए, विच मीन्स हमारे वर्टिसेस हो गए 0 कॉमा प्लस माइनस 5। हमारा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आ गया लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल टू 2a, दैट इज 2 × 5 इज इक्वल टू 10, एंड हमारा लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस आ गया इज इक्वल टू 2b, दैट इज 2 × 2 इज इक्वल टू 4, एंड हमारा इसेंट्रिसिटी आ गया e इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू √21 डिवाइडेड बाई 5। हमारा लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम आ गया इज इक्वल टू 2b² डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू 2 × 4 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 8/5। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें इलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 1। इसमें हम लोग देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर से बड़ा है, हेंस हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा मेजर एक्सिस एंड वाई एक्सिस हो जाएगा हमारा माइनर एक्सिस। तो जब इसको हम लोग कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो हमारा ए स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, एंड हमारा ए इज इक्वल टू 4 आ जाएगा एंड बी इज इक्वल टू 3 आ जाएगा।
एंड हमारा सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7। हेंस हमारा सी आ गया इज इक्वल टू रूट 7। हेंस अब हमारा फोकाई हो जाएगा फोकाई प्लस माइनस सी कॉमा 0। दैट मीन्स हमारा फोकाई हो गया प्लस माइनस रूट 7 कॉमा 0। हमारे वर्टिक्स हो जाएंगे प्लस माइनस ए कॉमा 0, दैट इज ए है हमारा 4, दैट इज प्लस माइनस 4 कॉमा 0। हमारा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हो जाएगा एल मेजर एक्सिस इज इक्वल टू 2a इज इक्वल टू 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हो जाएगा एल माइनर इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। एंड हमारा इंसेंट्रिसिटी हो जाएगा इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू सी बाई ए इज इक्वल टू रूट 7 डिवाइडेड बाई 4। एंड हमारा लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम हो जाएगा लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम इज इक्वल टू 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू 2 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 9 बाई 2। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देख सकते हैं कि हमारा एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर से छोटा है। हेंस हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा मेजर एक्सिस एंड एक्स एक्सिस हो जाएगा माइनर एक्सिस। तो इसको हम लोग जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे जो कि है हमारा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि हमारा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हो गया एंड ए स्क्वायर इज इक्वल टू 100 हो गया, विच मीन्स डैट बी इज इक्वल टू 5 होगा एंड ए इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। फर्दर हमारा सी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 100 माइनस 25 इज इक्वल टू 75, विच इम्प्लाइज दैट सी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा रूट 75, दैट इज 5 रूट 3। हेंस यहाँ से हमारा फोकाई हो जाएगा 0 कॉमा प्लस माइनस सी, दैट इज 0 कॉमा प्लस माइनस 5 रूट 3। वर्टिसेस हो जाएंगे 0 कॉमा प्लस माइनस ए, दैट इज 0 कॉमा प्लस माइनस 10। फर्दर हमारा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हो जाएगा इज इक्वल टू 2a इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20। एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हो जाएगा 2b इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10। हमारा इसेंट्रिसिटी हो जाएगा e इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू 5 रूट 3 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 3 बाई 2। एंड हमारा लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम हो जाएगा इज इक्वल टू 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू 2 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 5। हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारा x स्क्वायर का डिनोमिनेटर y स्क्वायर के डिनोमिनेटर से बड़ा है, हेंस हमारा एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस होगा। तो इसको हम लोग कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से, एंड हेंस हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 49 एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 36। फिर यहाँ से हमारे पास आ गया ए इज इक्वल टू 7 एंड बी इज इक्वल टू 6। फिर हम सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 49 माइनस 36 इज इक्वल टू 13, विच मीन्स दैट सी इज इक्वल टू आ गया हमारे पास रूट 13। हेंस हमारा फोकाई हो जाएगा प्लस माइनस सी कॉमा 0, दैट इज प्लस माइनस रूट 13 कॉमा 0। फिर हमारे वर्टिसेस हो जाएंगे प्लस माइनस ए कॉमा 0, दैट इज प्लस माइनस 7 कॉमा 0। फिर हमारा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हो जाएगा एल मेजर इज इक्वल टू 2a इज इक्वल टू 14, एंड हमारा एल माइनर हो जाएगा लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स b इज इक्वल टू 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12। फिर हमारा इसेंट्रिसिटी हो जाएगा e इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू रूट 13 डिवाइडेड बाई 7। एंड फाइनली हमारा लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम हो जाएगा इज इक्वल टू 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाई a इक्वल टू 2 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाई 7। नंबर 6 में हमें इक्वेशन दिया हुआ है एलिप्स का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 400 इज इक्वल टू 1। इसे हम लोग नोटिस कर सकते हैं हमारा एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर से छोटा है, दैट इज हमारा वाई होगा मेजर एक्सिस, वाई एक्सिस हो जाएगा हमारा मेजर एक्सिस। तो हम इसको कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई
बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन से, तो यहाँ से हमारा आ गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू 400 एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 एंड यहाँ से हमारे पास आ गया ए इज इक्वल टू 20 एंड बी इज इक्वल टू 10। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 400 माइनस 100, हमारा सी आ जाएगा सी इज इक्वल टू 10 टाइम्स रूट 3। फाइनली हमारा फोकस हो जाएगा फोकाई 0, ±c, दैट इज 0, ±10 टाइम्स रूट 3 एंड हमारा वर्टिसेस हो जाएंगे 0, ±a, दैट इज 0, ±20। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हो जाएगा इज इक्वल टू 2a इज इक्वल टू 2 × 20 इज इक्वल टू 40 एंड इसी तरह हमारा लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हो जाएगा इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू 2 × 10 इज इक्वल टू 20। हमारा इसेंट्रिसिटी हो जाएगा e इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू 10√3 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाय 2। लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम हो जाएगा इज इक्वल टू 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू 2 × 100 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 10। तो ऐसा करते हैं कि हम इसमें LHS और RHS दोनों में 144 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 36/144 x स्क्वायर प्लस 4/144 y स्क्वायर इज इक्वल टू 144/144। हेंस हमारा इक्वेशन बन जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36 इज इक्वल टू 1। और इसमें हम देख सकते हैं कि हमारा x स्क्वायर का जो डिनोमिनेटर है वो y स्क्वायर के डिनोमिनेटर से छोटा है, हेंस हमारा y एक्सिस हो जाएगा मेजर एक्सिस। तो इसको हम लोग कंपेयर करेंगे x स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से, तो हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 36 एंड b स्क्वायर इज इक्वल टू 4, विच मीन्स डैट a इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 6 एंड b इज इक्वल टू आ गया 2। फर्दर हमारा c आ जाएगा c इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 36 माइनस 4 डैट इज 32 इज इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास 4√2। हेंस अब हमारे पास आ जाएगा फोकाई 0, ±c इज इक्वल टू, फोकाई आ गया हमारा 0, ±4√2 एंड हमारा वर्टिस आ जाएगा वर्टिसेस 0, ±a दैट इज 0, ±6 ये आ गया हमारे वर्टिसेस। हमारा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हो जाएगा इज इक्वल टू 2 × a इज इक्वल टू 2 × 6 इज इक्वल टू 12 एंड हमारा लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हो जाएगा 2 × b इज इक्वल टू 2 × 2 इज इक्वल टू 4। हमारा इसेंट्रिसिटी हो जाएगा e इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू 4√2 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 2√2 डिवाइडेड बाय 3 एंड फाइनली हमारा लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम आ जाएगा इज इक्वल टू 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू 2 × 4 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 4/3। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा इलिप्स का क्वेश्चन दिया हुआ है 16 × x² + y² इज इक्वल टू 16, तो ऐसा करते हैं कि हम इसमें 16 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये इक्वेशन हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल टू 1। नोटिस कर सकते हैं कि हमारा इसमें एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर से छोटा है, हेंस हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा मेजर एक्सिस एंड एक्स एक्सिस हो जाएगा हमारा माइनर एक्सिस। तो ऐसा करते हैं कि इसको पहले हम कंपेयर करते हैं एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और यहाँ से आ गया हमारे पास ए इज इक्वल टू 4 एंड बी इज इक्वल टू 1। सी का वैल्यू निकाल लेंगे, सी स्क्वायर होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डैट इज यहाँ से हमारे पास सी आ गया इज इक्वल टू √16 − 1 डैट इज √15। अब हमारा फोकाई हो जाएगा फोकाई इज इक्वल टू प्लस 0, ±c डैट इज 0, ±√15 एंड हमारा वर्टिसेस हो जाएगा 0, ±a डैट इज 0, ±4। हमारा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हो जाएगा इज इक्वल टू 2 × a इज इक्वल टू 2 × 4 इज इक्वल टू 8
एंड हमारा लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हो जाएगा 2 टाइम्स बी इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। हमारा इसेंट्रिसिटी हो जाएगा इज इक्वल टू सी बाई ए इज इक्वल टू रूट 15 डिवाइडेड बाई 4। हमारा लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम हो जाएगा इज इक्वल टू 2 इंटू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1 बाई 2। क्वेश्चन नंबर 9 में इस इक्वेशन को हम 36 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1। और हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारा एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर से बड़ा है, हेंस हमारा मेजर एक्सिस रहेगा एक्स एक्सिस। तो इसको हम कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से, तो हेंस हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, विच इम्प्लाइज डेट हमारा ए इज इक्वल टू 3 आ गया एंड बी इज इक्वल टू 2 आ गया। नेक्स्ट हम सी निकालेंगे, सी स्क्वायर होता है हमारा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 4, डेट इज हमारा सी आ गया इज इक्वल टू रूट 5। एंड फाइनली हम फोकाई निकालेंगे, फोकाई हो जाएगा हमारा प्लस माइनस सी कॉमा 0, डेट इज प्लस माइनस रूट 5 कॉमा 0। एंड हमारा वर्टेक्स हो जाएगा वर्टिसेस प्लस माइनस ए कॉमा 0, डेट इज प्लस माइनस 3 कॉमा 0। नेक्स्ट हमारा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हो जाएगा इज इक्वल टू 2a, डेट इज 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। एंड हमारा लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हो जाएगा इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट हमारा e इज इक्वल टू आ जाएगा c बाई a, इसेंट्रिसिटी आ गया ये हमारा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास रूट 5 डिवाइडेड बाई 3। हमारा लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम हो जाएगा इज इक्वल टू 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाई a, डैट इज 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 8 बाई 3। नेक्स्ट 11 क्वेश्चंस में हमें कंडीशंस दिए हुए हैं जिनके हेल्प से हमें इलिप्स के इक्वेशंस निकालने हैं। जैसे कि 10th क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं प्लस माइनस 5 कॉमा 0 एंड फोकस के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं प्लस माइनस 4 कॉमा 0। और हम लोग इसमें देख सकते हैं कि हमारा वर्टेक्स एज वेल एज फोकस दोनों एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, डैट इज ये हो जाएगा हमारा कुछ इस फॉर्म का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि इस फॉर्म के लिए हमारा फोकाई होता है प्लस माइनस सी कॉमा 0, डैट इज हमारे पास सी इज इक्वल टू आ गया 4। एंड हमारा यहाँ पे वर्टेक्स हो जाता है प्लस माइनस ए कॉमा 0, डैट इज हमारा ए आ गया इक्वल टू 5। तो हम ये रिलेशन यूज कर सकते हैं सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और हम यहाँ से बी का वैल्यू निकालेंगे, बी आ जाएगा हमारा इक्वल टू रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 3। हमारा ए इज इक्वल टू 5 आ गया एंड सी एंड बी इज इक्वल टू 3 आ गया। तो हम इसको इस इक्वेशन में निकालेंगे रख देंगे तो ये जो है बस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर डेट इज 25 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर डेट इज 9 इज इक्वल टू 1। ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड इलिप्स का इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें वर्टिसेस दिए हुए हैं 0 कॉमा प्लस माइनस 13 एंड हमें फोकाई दिया हुआ है 0 कॉमा प्लस माइनस 5। तो हम इसमें देख सकते हैं कि हमारा वर्टेक्स और एज वेल एज फोकाई दोनों वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है एंड हमारा एक्स कोऑर्डिनेट 0 है दोनों के लिए। तो हमारा इस इलिप्स का इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमारा मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है इस बार। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा वर्टिसेस होता है 0 कॉमा प्लस माइनस ए, तो यहाँ से हमारा आ गया ए इज इक्वल टू 13 एंड हमारे फोकाई होता है 0 कॉमा प्लस माइनस सी, तो यहाँ से हमारा आ गया सी इज इक्वल टू 5। एंड हम एक रिलेशन जानते हैं डैट इज सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हमारे पास यहाँ से आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 144। हेंस हमारे इस इलिप्स का इक्वेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर डैट इज 144 प्लस
y square divided by a square that is 169 is equal to 1, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे वर्टिसेस दिए हुए हैं प्लस माइनस 6, 0 एंड हमारे पास फोकाई है प्लस माइनस 4, 0। तो हम देख सकते हैं कि हमारा वर्टिसेस एज वेल एज फोकाई दोनों लाई कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे एंड हमारा वाई कोऑर्डिनेट 0 है, दैट इज हमारा मेजर एक्सिस होगा इस इलिप्स का एक्स एक्सिस, दैट इज हमारे इस इलिप्स का इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एंड हम ए बी और बी के लिए हम जानते हैं कि हमारा वर्टिक्स का इक्वेशन होता है, वर्टिक्स का कोऑर्डिनेट होता है प्लस माइनस ए कॉमा 0। तो यहां से हमारा पास आ गया ए इज इक्वल टू 6। एंड हम ये भी जानते हैं कि हमारा फोकाई का कोऑर्डिनेट होता है प्लस माइनस सी कॉमा 0 और तो यहां से हमारे पास आ गया सी इज इक्वल टू 4। एंड हम एक रिलेशन जानते हैं कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां से हमारा बी स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर दैट इज 6 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 16 इज इक्वल टू 20। हेंस हमारे इस इलिप्स का इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर दैट इज 36 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर दैट इज 20 इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया हुआ है एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस है प्लस माइनस 3, 0 एंड एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस है 0, ± 2। तो हम इसमें देख सकते हैं कि हमारा मेजर एक्सिस के दोनों एंड पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, दैट इज एक्स एक्सिस ही हमारा मेजर एक्सिस है। तो हमारे इलिप्स का इक्वेशन हो जाएगा कुछ इस फॉर्म का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हमारा ए आ जाएगा ए इज इक्वल टू 3 एंड बी आ जाएगा हमारा 2। तो हमारा इस इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर दैट इज 9 प्लस y square divided by 2 square that is 4 is equal to 1। नंबर 14 में हमें मेजर एक्सिस के एंडपॉइंट्स दिया हुआ है 0, ± √15 एंड माइनर एक्सिस के एंडपॉइंट्स दिया हुआ है ±1, 0। तो हम देख सकते हैं इसमें कि हमारा मेजर एक्सिस का दोनों पॉइंट्स y एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, तो हमारा y एक्सिस ही मेजर एक्सिस होगा। तो हमारा इस ये इलिप्स कुछ इस फॉर्म का हो जाएगा x square divided by b square plus y square divided by a square इज इक्वल टू 1, जहां पे हमारा ए होगा √15 एंड बी होगा 1। तो हमारा इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई √15 का स्क्वायर डेट इज 15 इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दिया हुआ है इज इक्वल टू 26 एंड फोकाई का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है प्लस माइनस 5, 0। तो हम यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि हमारा फोकाई लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे और यही हमारा हो जाएगा मेजर एक्सिस, दैट इज मेजर एक्सिस इज इक्वल टू एक्स एक्सिस। तो हमारा ये इलिप्स का इक्वेशन हो जाएगा इस फॉर्म का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एंड हम ये भी जानते हैं कि हमारा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होता है 2 times a, दैट इज हमारा a आ गया इज इक्वल टू 13। एंड हम ये भी जानते हैं कि हमारा फोकाई का कोऑर्डिनेट होता है प्लस माइनस c, 0। यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे पास c आ गया इज इक्वल टू 5। एंड हम ये रिलेशन जानते हैं कि c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहाँ से हमारे पास b स्क्वायर आ जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर दैट इज 169 माइनस 25 इज इक्वल टू 144। हमारा इलिप्स का इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर दैट इज 169 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर दैट इज 144 इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारा लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस दिया हुआ है इज इक्वल टू 16 एंड फोकाई के कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 0, ± 6। तो हम देख सकते हैं कि हमारा फोकाई लाई कर रहा है y एक्सिस पे, दैट इज हमारा y एक्सिस हो जाएगा मेजर एक्सिस एंड x एक्सिस हो जाएगा हमारा माइनर एक्सिस। तो हमारा ये इलिप्स कुछ इस फॉर्म का होगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और हम ये भी जानते हैं कि हमारा लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस होता है इज इक्वल टू 2 times b, तो यहां से हमारा b आ गया इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 8। एंड हम ये भी जानते हैं कि हमारा
फोका ये कोऑर्डिनेट होता है 0, ±c, और यहाँ से हमारा c आ गया इज इक्वल टू 6, और हमारे पास एक रिलेशन भी है c स्क्वायर इज इक्वल टू a² - b² तो यहाँ से हम ए स्क्वायर निकालेंगे, ए स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डेट इज 6² + 8² इज इक्वल टू 100। हेंस फाइनली हमारा इलिप्स का इक्वेशन आ जाएगा x² / b² डेट इज 64 प्लस y² / a² डेट इज 100 इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें फोका के कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है ±3, 0, एंड हमारा a का वैल्यू दिया हुआ है इज इक्वल टू 4। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा फोकाई लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे, तो यही हो जाएगा हमारा मेजर एक्सिस। हेंस हमारा इलिप्स का इक्वेशन हो जाएगा x² / a² + y² / b² इज इक्वल टू 1। एंड हम ये भी जानते हैं कि हमारा फोकाई का कोऑर्डिनेट होता है ±c, 0, जहाँ से हमारा c इज इक्वल टू 3 आ गया। और हमें एक रिलेशन भी पता है कि c² इज इक्वल टू a² - b² होता है। इक्वलाइज डैट हमारा b² हो जाएगा इज इक्वल टू a² - c² डेट इज 4² - 3² इज इक्वल टू 16 - 9 इज इक्वल टू 7। हेंस हमारा इलिप्स का इक्वेशन आ गया x² / a² डेट इज 16 + y² / b² डेट इज 7 इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 18 में हमारा b का वैल्यू दिया हुआ है 3, c का वैल्यू दिया हुआ है 4। हमसे कहा जा रहा है कि इलिप्स का सेंटर लाई कर रहा है ओरिजिन पे और फोकाई लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे। तो हमारा फोकाई लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे और ओरिजिन पे हमारा सेंटर है, तो हमारा इलिप्स का इक्वेशन हो जाएगा इस फॉर्म का x² / a² + y² / b² इज इक्वल टू 1। रिलेशन पता है c² = a² - b² जिससे हम a निकाल सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा a² = b² + c² डेट इज 4² + 3² = 25। हेंस हमारा इलिप्स का इक्वेशन आ जाएगा x² / a² डेट इज 25 + y² / b² डेट इज 9 इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है कि हमारा इलिप्स का सेंटर है ओरिजिन और उसका मेजर एक्सिस है वाई एक्सिस। तो मेजर एक्सिस अगर वाई एक्सिस है तो हमारा इलिप्स का इक्वेशन हो जाएगा x² / b² + y² / a² इज इक्वल टू 1 के फॉर्म में। और हमसे ये भी कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि हमारा ये इलिप्स लाई कर रहा है 3, 2 and 1, 6 पे। तो अगर हम इस जनरल इक्वेशन को 3, 2 से पास करवा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3² - 9 / b² + y² - 4 / a² इज इक्वल टू 1। एंड इसको जब हम लोग 1, 6 से पास करवाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा 1² - 1 / b² + 6² - 36 / a² इज इक्वल टू 1। और इन दोनों के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a² = 40 and b² = 10। तो इसी को हम लोग इस इक्वेशन में डाल देंगे तो हमारे पास इलिप्स का इक्वेशन आ गया x² / 10 + y² / 40 इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है कि हमारे इलिप्स का मेजर एक्सिस है एक्स एक्सिस और वो पास कर रहा है 2 पॉइंट से। तो अगर एक्स एक्सिस हमारा मेजर एक्सिस है तो ये हो जाएगा हमारा इलिप्स का जनरल इक्वेशन x² / a² + y² / b² इज इक्वल टू 1। एंड इसको हम लोग पास करवा देते हैं पहले 4, 3 से, एंड उसको उसके बाद हम लोग पास करवाएंगे इसको 6, 2 से। 4, 3 से पास करवाने के बाद हमारे पास आ जाएगा 4² / a² डेट इज 16² / a² प्लस 3² / b² डेट इज 9² / b² इज इक्वल टू 1। एंड जब इसको हम लोग 6, 2 से पास करवाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा 36² + 4² / b² इज इक्वल टू 1। एंड इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास a² = 52 एंड b² = 13। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का वैल्यू डाल लेते हैं इसमें, तो हमारे पास x² / 52 + y² / 13 इज इक्वल टू 1।